चलिए जी, गुड इवनिंग। और सरफेसी के लगातार टॉपिक को कवर करते समय नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, और इस तरह से जो आप सरफेसी को कवर कर रहे हैं तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रही है। आप कभी भी सरफेसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, भले ही वहाँ पर आपको आंसर रिकलेक्ट ना हो, बट आपको ये जरूर पता रहेगा कि इस चीज को हमने कहीं। इसकी बैटरी डाउन हो गई। इसकी बैटरी डाउन है, चार्जिंग में लगाओ। उसकी हुई है सर। हेलो। हाँ, तो टॉपिक जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो हमने शुरू में बताया था इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? लागू करना। लागू करना, एक्ट को लागू करना या एक्ट के एक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है, एनफोर्समेंट करना। तो एक तो था रूल, रूल को अप्लाई करना, बट एक्ट को अप्लाई करना का मतलब एक्ट को के अंदर जो एक्शन है उनको एनफोर्स करना कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करना, अपना जो भी उसमें हक है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो एनफोर्समेंट का मतलब तो ये हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें पूरा सरफेसी के जो भी एक्टिविटी होती है उसको ऑलमोस्ट कवर किया गया है, कैसे हम लोग इस एक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब से हाई लेवल एनपीए होने लग गया, सब कुछ होने लग गया, तो ये एक्ट बहुत काम करा। तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सिविल कोर्ट और डीआरटी आप सीधे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो क्या बोलता है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कहीं नहीं जाना, सीधे काम करेंगे। पावर गिवन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर प्रोविजन रिलेटेड टू द मॉर्गेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो पहले रूल थे, रूल थे कि आपको किसी की प्रॉपर्टी को सेल करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट करता है कि वो कहता है उसे कहने दो, हम सरफेसी में जो कह रहे हैं वो सुनो। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बोरोवर को 13-2 का नोटिस दिया जाता है, ठीक है, नोटिस, और उसमें बोला जाता है कि आप क्या करो, शुड बी गिवन आस्किंग फॉर बोरोवर टू डिस्चार्ज इन फुल हिज लाइबिलिटी, पूरा जमा कर दे, अब छोटे से काम नहीं चलेगा, टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर विद इन कितने डेज, सिक्सटी डेज, ठीक है। फॉलिंग टू डू सो तो क्या करेगा, वो फर्दर राइट जो उसको मिले हुए वो अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब पहला नोटिस कौन सा जाता है, 13-2 का जाता है, उसमें क्या बोला कि भैया अपना लोन पूरा क्या कर दो, रिकॉल सर, इसको बोलते हैं रिकॉल करना, जो हमने लोन दिया था उसको पूरा वापस मांगना, इसको बोलते हैं रिकॉल करना। अदरवाइज कस्टमर कैसे देता हमको, इंस्टॉलमेंट में, बट तब तक ये चलेगा जब तक वो नियम से दे रहा है। अगर वो रूल से नहीं दे रहा तो हम सरफेसी लगा रहे हैं, तो हम पूरा अमाउंट एट वन गो क्या कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं। सर, सर, पूरा आउटस्टैंडिंग या जितना हमारी उस पे हुई है, मतलब जितनी ईएमआई उस पे पूरी आउटस्टैंडिंग, पूरा क्लोज कर दो, हम जो मानेंगे मांगेंगे पूरा मांगेंगे।
आउटस्टैंडिंग प्लस अनचार्ज्ड इंटरेस्ट। सिंपल बात है कि भैया हमारा अकाउंट क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है सर। अगर वो आके स्टैंडर्ड करा दे तो कर देंगे। तो देखो इसमें प्रैक्टिकली ऐसा होता है, अगर कोई आदमी अपना अकाउंट स्टैंडर्ड करा दे जी, तो हम उससे कहते हैं अब टाइम से देते रहना, ठीक है। और जिस दिन वो डिफॉल्ट दोबारा करेगा जी, उस दिन हम अगला एक्शन ले सकते हैं। किसका अगला एक्शन? 13-2 से अगला। हाँ सर अगला, यानी 13-2 का जो एक्शन किया हुआ है वो 1-2-3 साल भी चल रहा है ना जी, तो भी जिंदा रहता है। मतलब अगली बार डिफॉल्ट करेगा तो 13-2 से अगला वाला स्टेप हम देंगे। हाँ ठीक है, फिर आगे बोलते हैं, नोटिस रेफर द अबाउ शुड गिव द डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेबल बाय द बोरोअर एंड द सिक्योर्ड एसेट इंटेंडेड टू, कि कौन सा एसेट उसने गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। दो, द एक्ट कंटेम्पलेट गिविंग ओनली टू पर्टिकुलर्स, दो बातें चाहिए कि कितना पैसा देना है और कौन सी उसकी सिक्योरिटी है, ठीक है। और ज्यादा प्रॉपर करें तो उसमें ओवरड्यू पीरियड, डेट फ्रॉम इट अकाउंट क्लासिफाइड एनपीए, ठीक है, ये देना ज्यादा अच्छा है। और उसकी फैसिलिटी वाइज सिक्योरिटी कौन कौन सी दे रखी है उसने, द एक्ट रूल्स मेड अंडर हैव नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी फॉर्मेट ऑफ नोटिस, यानी आपने देखा होगा सरफेसी के नोटिस हर बैंक के थोड़ा अलग अलग होते हैं। दिस नोटिस इज स्टैट्यूटरी नोटिस हैविंग कॉन्सिक्वेंसेस दैट द बोरोवर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफर, मींस ये एक कानूनी नोटिस की तरह काम करता है, यानी लीगल नोटिस देना जरूरी नहीं है, बट जैसे ही ये नोटिस पहुंच गया उसके पास तो ये कानूनी नोटिस की तरह पहुंचा, अब बोरोवर को प्रोहिबिट कर देता है, मना कर देता है कि आप इस प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, बेच नहीं देंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं, कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, मींस जो भी पनिशमेंट है सरफेसी एक्ट में कि 13-2 के बाद अगर आपने सेल कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो इट इज एडवाइजेबल टू नोटिस मेंशन अबाउट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड द पेनल प्रोविजन, ठीक है। एक्ट डज नॉट कंटेम्प्लेट, क्या होगा सर? हाँ वो तो हाइपोथेकेट नहीं, मॉर्गेज होगी, सॉरी मॉर्गेज होगी। हाँ तो फिर उसे कैसे बेच लेगा सर? ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। एक बिल्डिंग 2018 में ली और 2019 में उसमें बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब 2022 में कोई खरीदार मिल गया, खरीदने वाला क्या करता है, वो पैसा देता है उसको और रजिस्ट्री करा देता है। रजिस्ट्री कराने के लिए कोई मना नहीं, ठीक है, और उसके बाद एक और काम कराता है, ये भी करा देता है। क्या लिखा मैंने? म्यूटेशन। म्यूटेशन वो भी करा लेता है। अच्छा। बैंक तो अपना सोया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि इतना सारा काम करने के बाद अब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तो जब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो फिर बात आती है कोर्ट कचहरी की। तो वही बात है, कभी कभी वो पार्टी तो बच के भाग गई ना, कौन 2019 वाली, हाँ फर्स्ट तो ये नया वाला गया। अब ये लायबिलिटी किस पे बन जाएगी 2022 पे जिसने खरीदा था? नहीं, लायबिलिटी तो उसी की है, लेकिन लायबिलिटी को रिकवरी कैसे करेंगे उस प्रॉपर्टी को सेल करके करें, ठीक है सर। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा ना, अगर बैंक ने अपना चार्ज नहीं क्रिएट किया तभी म्यूटेशन चढ़ी, हमारी चढ़ी होगी फिर कहाँ चढ़ा? ऐसा होता है, म्यूटेशन तो नहीं होता सर। सुनो तो बात सुनो, ऐसा होता है बैंक का जो इक्विटेबल मॉर्गेज है वो तहसील नगर पालिका तक पहुंचता ही नहीं, वो सिर्फ बैंक की तिजोरी में रखा रहता है। तो भाई बताता हूं मैं, नगर निगम को पता ही नहीं कि कोई प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज है। अब बात आती है कुछ स्टेट्स में, गुजरात, महाराष्ट्र, शायद पंजाब में, उन्होंने क्या किया हुआ है सर, कि वो इंटीमेशन जाती है वहां पे, नोटिस ऑफ इंटीमेशन होता है। हाँ, तो वो नोटिस वो लोग अपने वहां नोट कर लेते हैं, अगर कर लेंगे तो म्यूटेशन
नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक्शन है कि हो सकता है कोई बेच दे, धोखाधड़ी कर ले, और फिर वो लोन की रिकवरी तो करेगा करेगा बैंक, प्लस उसको कोर्ट क्या देगा, पनिश भी कर सकता उस आदमी को जिसने ऐसा गलत, जिसने 2022 में ये जमीन ली है वो तो फंस गया, फंस गया, बिल्कुल फंस गया। उसने उसने जो है 2018 वाली रजिस्ट्री क्यों नहीं मांगी उससे, इसलिए 30 साल की क्यों नहीं मांगी, चेन डीड नहीं मांगी, चेन डीड। आप भी जब कभी प्लॉट लें विदाउट लोन लें तो 30 साल के पेपर मांगे, वो बहाना बनाता रहेगा, उसके पास तो थी, उसके पास तो थी, है ना भैया, लाओ, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी भी तो निकल जाती है, सर्टिफाइड कॉपी निकल जाती है, उससे भी थोड़ा सा प्रूफ हो जाता है, बट आपको तो ओरिजिनल रखनी है ना जी। बैंक ओरिजिनल रखता है, 2018 की भी रखेगा और 1998 में जो हुई होगी उसको भी रखेगा जी। कब तो इसमें एक, एक, एक केस होता है, सुनो, जैसे ये प्लॉट है, अगर सेम साइज का प्लॉट, वही सेम साइज का प्लॉट ट्रांसफर होता जा रहा है तो सारी टाइटल डीड बैंक के पास आनी चाहिए। बट अगर प्लॉट इतना बड़ा था, इसने इतना ले लिया, इसने इतना लिया है, इसने इतना लिया है, तो आपको ये भी मिलेगी, बट ये नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके उसने कितने टुकड़े कर दिए थे, 3, तो वो क्योंकि वो 2 टुकड़े तो उसी के पास है ना, इसलिए ये नहीं मिल पाई, बट ये दोनों मिलेंगी। ऊपर वाले केस में जब सेम प्लॉट बार बार ट्रांसफर हो रहा तो पूरे 30 साल की चाहिए आपको। सर लेकिन इस सेकंड केस में एंडोर्समेंट तो मांगते ही है ना, उसके पीछे लिख के देता है कि इतना रकबा मैंने सेल कर दिया, वो ये कह देता है कि मैंने इतना पार्ट बैंक में रखा हुआ है। फिर सर जो ओरिजिनल मेन बड़े प्लॉट की रहेगी उस डीड के पीछे एंडोर्समेंट की जाती है ना, अगर कायदे से तो सब धांधली हो जाती है, ठीक है। और वो रजिस्ट्रार फजिस्ट्रार सब मिले जुले होते हैं, और कई बार ऐसा होता है ये तो चलो प्लॉट हो गया, बट मान लिया 6 माले की बिल्डिंग है, उसमें ये वाला प्लॉट बेचना, फ्लैट बेचना है, तो वो केवल इसी प्लॉट फ्लैट की रजिस्ट्री कर देते हैं, बाकी की नहीं करते, ठीक है। चलो आगे देखो, तो इसमें जो है एक्ट में बोरोवर रिप्लाइज करे या ना करे कोई जरूरी नहीं है, आप तो अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है। बट बोरोवर में रिप्लाई और रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि भैया ये तुमने नोटिस दिया हुआ, अभी एक एक्शन मत लो, ऐसा मार्जिया केमिकल में बोला गया, ठीक है। अबाउट व्हाट बैंक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी डू व्हेन बोरोवर सबमिट एनी, अगर बैंक ने उसने रिप्लाई कर दिया तो क्या करेगा, तो उसमें बोलता है द सिक्योर क्रेडिटर यानी बैंक मस्ट अप्लाई हिज माइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, जो उसने ऑब्जेक्शन उठाए हैं उनका क्या दे, वो रिप्लाई दे दे, ठीक है। एन एंटरिम मैकेनिज्म मस्ट बी पर्टिकुलर इवॉल्व ना कंसीडर टू रिप्लाई, तो रिप्लाई दे दे, दीज मे बी सम मीनिंगफुल कंसीडरेशन इन द ऑब्जेक्शन, मतलब कुछ खास ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं और द रिजेक्शन भी हो सकते हैं, तो आप उसी तरह से हिसाब जवाब दे देंगे, और रीजन कहेंगे रीजन फॉर ओवरराइडिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ द बोरोवर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हिम, और जिस कारण से वो बोरोवर की बात नहीं सुन रहे हैं वो बात बतानी पड़ेगी उसको, ठीक है। व्हाइल डायरेक्टिंग द रीजन द रिजेक्शन मस्ट बी कन्वेड टू द बोरोवर, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द कम्युनिकेशन बोरोवर रीजन नॉट एक्सेप्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आप उसको वो सब कुछ जवाब लिखित में दे दीजिए। अब बात आती है आफ्टर दिस रूलिंग देर हैज बीन अमेंडमेंट इन एक्ट, नाउ सेक्शन 13(3) है, सेज इफ द बोरोवर ऑन रिसीप्ट ऑफ द नोटिस मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन तो क्रेडिटर हैज टू कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन और द ऑब्जेक्शन, या तो उसकी बात मान ले या ऑब्जेक्शन उठाए, इफ इट इज नॉट एनेबल द एक्सेप्टेंस इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू बोरोवर विद इन कितने दिन में, अगर बैंक को कोई नोटिस भेजता है कि आपने जो नोटिस दिया था उसमें मेरा ये कहना है, तो आप उसकी बात को जवाब देंगे 15 दिनों के अंदर, ठीक है। और बोरोवर को रीजन बताएंगे कि क्यों आप उसकी बात नहीं मान रहे, हाउएवर सच कम्युनिकेशन मेंशन देयर इन इज लाइकली टू एक्शन कंटेम्पलेट डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द बोरोवर टू प्रिफर एन अपील, तो वो जो जवाब देना या ना देना
उसके बिहाफ पे वो डीआरटी पे नहीं जा सकता या किसी सिविल कोर्ट पर नहीं जा सकता, ठीक है। बैंक जवाब दे या ना दे वो फिर भी कोर्ट में नहीं जा सकता। इस लाइन को दोबारा पढ़ा हूं। हाउएवर सच कम्युनिकेशन और रीजन मेंशन देयर इन बाय द सिक्योरिटेटर और लाइकली एक्शन एज कंटेम्प्लेटेड डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द बोरोवर टू प्रीफर, मीन्स जो बैंक कोई एक्शन ले रहा है या उसकी बात नहीं सुन रहा है तो उसको फिर भी राइट नहीं है क्या नहीं करने का, किस बिहाफ पे राइट नहीं है, उसके जवाब ना देने के बिहाफ पे, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक अच्छी प्रैक्टिस को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 15 days। बोरोवर डज नॉट पे फुल एज पर द नोटिस राइट टू टेक रिकोर्स वन ऑफ द मोर, तो अगर पैसा नहीं देगा तो बैंक क्या करेगा, पोजीशन लेगा उसके, ठीक है, और उसको इस काम से रोक देगा, ट्रांसफर करने, लीज करने, साइन करने, सेल करने से, ठीक है। द राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली द व्हेन ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर इज हेल्ड बाय द सिक्योरिटी एज ए डेट। टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द सिक्योर्ड एसेट इंक्लूडिंग द राइट ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट, सेल, सिक्योर्ड। तो इसने बोला हुआ है the right can be exercised only when substantial part of the business of the borrower is held as a security, means agar uska 10,000 crore ka business hai aur aapka keval 10 lakh ka loan surface mein phasa hua hai to iska matlab ye nahi ki aap usko pareshan karne lag jao, usne bola hua hai when a kya substantial part of business of the borrower is held as security for the debt। तो जब substantial part अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे, उसका क्या कर लोगे, take over of management कर लोगे, ठीक है, और लीज करना, assign करना, sell करने का right आपके पास आ जाएगा। आप किसी बंदे को manager बना सकते हैं वहां पे और आप notice in writing any person who has acquired the secured asset from the borrower any money due to borrower to pay the securitizer, such demands from the other person will be extended to secure debt if such other person paid any amount secured debt thing is valid sir। और वो कहता है कि अगर किसी अदर बंदे को आपने क्या करा, आपने acquire करने के बाद किसी बंदे को आपने क्या कर दिया, एक notice by giving a notice in writing any person who has acquired the asset from the borrower से, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं ऊपर केस बताया था कि ले आपने बैंक ने किसी को लोन दिया, उसने किसी और को बेच दिया, तो बैंक क्या करेगा, उस अदर पर्सन को नोटिस देगा, क्यों, जिसने वो एसेट किससे लिए है, फ्रॉम द बोरोवर, ठीक है, जो तीसरा आदमी जिसने ले लिया तो उसको डिमांड कर लेगा, सच डिमांड फ्रॉम द अदर पर्सन विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योर डेट, और वो डिमांड कितनी होगी, जितना कि बैंक का लोन है, कि भैया अगर तुमने एसेट लिया है तो हमारा पैसा वापस कर दो। इफ सच अदर पर्सन पे द एनी अमाउंट, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, वैलिड डिस्चार्ज। Any transfer of secured asset affected the securitizer provided that shall waste in the transferee all the right in relation to the secured asset, means जो जिसको भी मिलेंगे वो asset उसके पास पूरे right चले जाएंगे उस asset को deal करने के, ठीक है। When sale of the secured asset is made, तो क्या करेंगे, जो भी पैसा आया है उससे अपना loan वो करेंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या वसूलेंगे, कॉस्ट, फिर क्या, चार्जेज एंड एक्सपेंसिव इंसिडेंटल टुवर्ड प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, दोज आर रिकवरेबल फ्रॉम द बोरोवर। सबसे पहले तो ये वसूलेंगे आप, दूसरा अब आप सेकेंडली
टूवर्ड्स द ड्यूज ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, अब लोन वसूलेंगे. थर्ड, इफ देयर इज एनी सरप्लस इट विल बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड देयर टू इन अकॉर्डिंग टू विद द राइट ऑफ द इंटरेस्ट. तो अगर कुछ पैसा आपका बच जाएगा तो आप उसको वापस कर देंगे. समझ में आई बात? सबसे पहले कॉस्ट चार्जेज एक्सपेंसेस रिकवर करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद अपना लोन, और फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो उसको वापस कर देगा. ठीक है. डेबिट्स ओड टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर विल गेट प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर क्लेम. ये पहले भी हमने पढ़ लिया कि सरकारी क्लेम भी इसके पीछे चले जाते हैं. ठीक है. और बॉरोवर को सारे खर्चे देने हैं उसमें जो भी लगा हुआ है. ठीक है. बिफोर द डेट फिक्स द सेल ट्रांसफर सिक्योर्ड क्रेडिटर सेल नॉट बी सेल द. तो इसमें बोल रहा हुआ कि अगर बॉरोवर क्या करता है, सारे पैसे बैंक को टाइम सेल से पहले दे देता है, तो बैंक क्या नहीं करेगा, कोई भी अगला स्टेप नहीं उठाएगा. ठीक है. इन केस ऑफ द जॉइंट और कंसोर्टियम फाइनेंस है तो उसमें क्या बोला, कैन टेक एनी एक्शन टेकिंग पोजीशन क्योर्ड एसेट सिक्योर्ड एसेट अनलेस. ये पहले भी मैंने पढ़ा था, कितने लोग, कि जो 60% इन वैल्यू अनलेस एक्सरसाइज सच राइट एग्रीड अपॉन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रेजेंटली रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 60% इन वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन द रिकॉर्ड डेट. ठीक है. क्या बोल रहा है इसमें कि 60% तक की वैल्यू वाले अगर आपने कोई एसेट पोजिशन में ले लिया और चार बैंक है, तो 60% बैंक वाले जो कहेंगे वो करना है. आउटस्टैंडिंग अमाउंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट और जो भी ड्यूज है वो सब लिए जाएंगे. मतलब जिनका 60% है उनकी चलेगी सर. है मतलब जिनका 60% पोजीशन है उनकी बात पहले मानी जाएगी. हाँ, जिन्होंने पोजीशन नहीं 60% तक का लोन दे रखा है. द रिकॉर्ड डेट मीन्स द डेट एग्रीड अपॉन द बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 60% of the amount outstanding on such any decision taken such creditor is then binding to all. ये 60% वाले जो भी decision लेंगे वो सबको मानना पड़ता है. ठीक है. और अगर borrower क्या है, एक company है, तो उस condition में उसने कहा workmen have pari passu charge. इसका मतलब उनके जो staff हैं उनकी क्या सैलरी अब से पहले दी जाएगी, उसके बाद बैंक की बात आती है. ठीक है, कंपनी वाले मामले में. ठीक है. और सेक्शन 325 और 326 में ऐसा कहा गया, दिस इज द एक्सेप्शन प्रायोरिटी सिक्योर्ड. और ये एक्सेप्शन है, मींस पहले वो कहता था गवर्नमेंट के जो टैक्स वगैरह हैं वो सब भी सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि वर्कमैन की सैलरी फर्स्ट नंबर पे आती है, उसके बाद किसका खर्च निकाला जाएगा, बैंक का, उसके बाद किसका निकाला जाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी अदर जो भी कुछ है. ठीक है. अब देखो पशु चार्ज का मतलब, परी पशु का मतलब होता है पैरेलल चार्ज. ठीक है. या इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल चार्ज. जैसे कहा जाता है कि दूसरे बैंक की एफडी पे लोन नहीं करना है, उसका भी आंसर यही है, क्योंकि उस बैंक का उस एफडी पे पारी पासु चार्ज है, यानी पहले वो वसूलेगा अपना पैसा उसके बाद आपको देगा. प्रेफरेंस चार्ज बोल दो आप इसे. ठीक है. If after the sale secured said, अगर देखो पॉइंट आ गया, आर नॉट रिकवर्ड, अभी भी बैलेंस है, तो क्रेडिटर कैन फाइल एप्लीकेशन बिफोर द DRT या और ए सिविल सूट इन कॉम्पिटेंट कोर्ट. डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट टू बी रिकवर्ड द पिक्यूनरी ज्यूडिशियल विल बी. देखो यहाँ पे
थोड़ा सा मुझे अपने स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा लग रहा है। क्या बदलना पड़ेगा आप लोग बताओ तो? कि डीआरटी में भी जा सकते हैं अगर 20 लाख। नहीं नहीं, आपने आपने बोला था सर कि अगर अमाउंट कम होगा तो भी तो जाएगा, लेकिन यहाँ ही बोला नहीं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट टू बी रिकवर्ड द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन विल बी डिसाइडेड। तो जो डीआरटी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कितने लाख पे है? 20 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो वो वाली बात मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग भी सुन रहे हैं मेरी बात, तो वो जो मैंने बोला था कि डीआरटी में सरफेसी के बाद किसी भी अमाउंट पे जा सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि वो या तो डीआरटी जाएगा या कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में, ठीक है। और सिविल कोर्ट में जाने के लिए 20 लाख से नीचे के लिए वो जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर इज एंटाइटल टू सेल द प्लेज गुड प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर। मतलब या तो प्रॉपर्टी को बेचेगा या गारंटर के अगेंस्ट अपना कार्रवाई शुरू करेगा विदाउट इनिशिएटिंग एनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी एसेट। कई बार क्या कहता है वो कि सिक्योरिटी एसेट तो ठीक हो गया, बट कई बार वो क्या करता है, वो मे बी होल्डिंग सिक्योरिटी बाई वे ऑफ प्लेज ऑफ एनी मूवेबल और गारंटी ऑफ एनी पर्सन ड्यू टू द रिपेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। तो कहने का मतलब है एक सिक्योरिटी को कब्जे में लेना एक बात है, बट गारंटर के अगेंस्ट भी वो एक्शन ले सकता है। द राइट ऑफ द सिक्योरिटी द वन अगेंस्ट प्लेज सिक्योरिटी प्रोसीडिंग अगेंस्ट गारंटर आर कैप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। मीन्स अब देखो ये कहता है कि सिक्योरिटी को के अगेंस्ट काम करना अलग चीज है और गारंटर के अगेंस्ट एक्शन लेना अलग चीज है, ठीक है। सरफेसी एक्ट गिवन द डिफरेंट राइट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर। राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर द एक्ट मे बी एक्सरसाइज बाय वन और मोर ऑफिसर्स ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ द सच में। मान लिया आप अपने वहां 10 ऑफिसर बना देते हैं, तो 10 ऑफिसर अलग अलग काम कर सकते हैं। पावर्स ऑफ इन्फोर्स सिक्योरिटी नीड टू बी एक्सरसाइज प्रूडेंटली। प्रूडेंटली होनी चाहिए, फेयरली होनी चाहिए और विद ड्यू केयर होनी चाहिए। कॉशन द रूल्स फ्रेम अंडर द सरफेसी एक्ट प्रोवाइड दैट द ऑथराइज ऑफिसर शुड बी द लेवल ऑफ इक्वल। और ये देखो पॉइंट आ गया कि चीफ मैनेजर जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। व्हेन बोरोवर रिसीव्स द नोटिस फ्रॉम द क्रेडिटर द बोरोवर शैल नॉट ट्रांसफर बाय ऑफ सेल लीज और अदरवाइज। अगर नोटिस मिल जाए तो उसको नहीं, ऊपर पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और अगर वो फिर भी उसको करता है, नॉन कंप्लायंस करता है बोरोवर, तो क्या होगा? इसे पढ़ लो जरा, पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट। 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। सेक्शन 13 डिफरेंस ऑफ सेक्शन, कुछ नहीं इसमें इम्पोर्टेंट। और बैंक अगर प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेगा तो उसकी क्या करेगा, स्पेशल टेक केयर करेगा, ध्यान भी करना उसे, ठीक है। प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू स्पीडी नेचुरल डिके, मतलब कई बात होता है ना, कुछ ऐसी चीज अपने कब्जा ली जो जल्दी से खराब हो जाएगी, तो उसमें क्या है, वो ऑथराइज ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको एक ही बार में बेच देगा, सेल कर देगा, ठीक है। फॉर टेकिंग पैसन एंड देन सेल द प्रॉपर्टी रिक्वायर टू सर पैसन नोटिस नियरली एज पॉसिबल गिवन अपेंडिक्स 4 to rules borrower and affixing possession notice on the outdoor of the at the conspicuous place of the property। जैसे कई बार क्या होता है, प्लॉट होता है, अब प्लॉट में नोटिस कहाँ चिपकाओगे आप बताओ, कहीं चिपका सकते हैं? नहीं ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक बोर्ड बनवा के वहां लिख सकते हो, या
उससे लगी हुई जो प्रॉपर्टी है उसमें लगाओगे, लेकिन लिखोगे इसके बारे में, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, अगर आप कभी कोई ऐसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 13/2 का टाइम कितने दिन का है, 60 दिन के। आफ्टर दिस एनी टाइम आप कौन सा नोटिस भेज सकते हैं, 13/4 का नोटिस भेज दीजिए, ठीक है। और इस नोटिस को आपको चिपकाना है और अखबार में भी देना है, ठीक है सर। 13/4 30 दिन के लिए होता है ना, नहीं उसका कोई टाइम नहीं होता है, 13/4 ही तो बिकने के लिए होता है ना, कि ये बेचना है। हाँ, वो 30 दिन वाला भी बताता हूँ मैं आगे क्या है। और इसमें एक चीज और है, जब 13/4 करेंगे तो आपको वो नोटिस कहाँ निकालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में निकालना पड़ेगा। हाँ सर, 13/4 डीएम परमिशन से पहले होगा कि बाद में होगा, पहले होता है। अच्छा, इसके बाद आप डीएम पे जाएंगे, सिंबॉलिक पोजीशन, उसके बाद आप डीएम के पास जाएंगे कि इसका फिजिकल पोजीशन लेना है हमको। 13/4 का मतलब है दुनिया को बताना कि ये प्रॉपर्टी अब हमारी हो गई है, ठीक है, सिंबॉलिक पोजीशन हो गया। और रियल पोजीशन कैसे होगा, जब आप उसमें ताला लगाएंगे, ठीक है। द ऑथराइज ऑफिसर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वैल्यूएशन ऑफ द इमोबाइल प्रॉपर्टी बिफोर सेल, और उसकी एक रिजर्व प्राइस रखेगा, ठीक है, एंड सेल इट टू द मेथड ऑफ परमिटेड अंडर रूल 8 में, जो भी मेथड है उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। द ऑथराइज ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश पोजिशन नोटिस इन 2 लीडिंग न्यूज पेपर, जिसमें से एक कौन सा पेपर हो, लोकल न्यूज पेपर, ठीक है। और अब जो 30 डे वाला है, 30 डे बिफोर सेल ऑफ द इमोबाइल प्रॉपर्टी, उसको आपने एक नोटिस दोबारा देना है कि भैया उस तारीख को हम आपकी प्रॉपर्टी क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं। समझ में आई बात, 30 दिन वाला। इफ सेल इज बाई पब्लिक ऑक्शन और बाई इन्वाइटिंग टेंडर, नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन 2 लीडिंग न्यूज पेपर, 1 फ्रॉम विच शुड बी। तो अब देखो, 2 बार नोटिस निकलेगा, ये वाला पहला वाला नोटिस किस चीज का है, सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस है, और दूसरा वाला नोटिस किसका है, सेल नोटिस। ये दोनों नोटिस अखबार में निकलेंगे, मतलब बैंक जिस दिन तय करेगी कि बेचना है उसे 30 दिन पहले उसे नोटिस देना होगा, नोटिस देना है, ठीक है। तो बैंक आमतौर पे क्या करता है, 30 दिन से पहले 60 दिन पहले देता है कि भैया हम अभी नवंबर चल रहा है, जनवरी में 22 तारीख को आपकी सेल होगी, जिससे उसे देरी ना हो, ठीक है सर। फोर व्हीलर के लिए भी ये सेम प्रोसेस होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, उसके लिए भी डीएम परमिशन चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। डीएम परमिशन बेसिकली ऐसे प्रॉपर्टी के लिए चाहिए होता है जहां पर कोई रह रहा है, या आपको डर लग रहा है बोरोवर से, सिंपल प्लॉट का कब्जा लेने के लिए डीएम की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि प्लॉट का कब्जा कैसे लोगे, जरा बताना, ताला कहाँ लगाओगे, मतलब साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा, साइन बोर्ड लगाना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये बदमाशी करेगा तो आप डीएम से पुलिस हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नहीं, फोर व्हीलर में 13/2 13/4 सेम देना है ना, हाँ वो ड्यूरेशन वही है, सेम ड्यूरेशन सेम है, और न्यूज़पेपर में भी देना है। ये आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आइडिया नहीं है मेरे को, मैंने कहीं सही कह रहे हैं आपकी, ट्रैक्टर का तो कहीं देखा नहीं मैंने, ट्रैक्टर या मान लीजिए प्राइवेट कार भी जो करते हैं। सर ऑप्शन वाले दिन अगर बार-बार पैसा देना चाहे, ट्रैक्टर पे तो जिस दिन ऑक्शन है उस दिन नहीं अलाउड होता, वो उसका कोई रिलेटिव भी अलाउड नहीं होता, डायरेक्टर भी अलाउड नहीं होता, तो उससे पहले अगर पे करना चाहे तो वो वहां रुक जाएगा ना सर, बिल्कुल सेल से पहले जी, सेल से पहले वो पेमेंट कर दे, ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता,
ऑक्शन वाले दिन अगर पैसा पे करना चाहे तो वो कर सकते नहीं, पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। जिस दिन ऑक्शन फिक्स हो जाता है ना उस दिन बोरोवर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, ऑक्शन से पहले इनिशिएट करने से पहले वो जमा कर दे चल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, इफ द प्राइस फॉर द सिक्योर्ड एसेट कमिंग लेस देन, तो अभी ऊपर पढ़ लिया हमने, वो लोअर प्राइस में बेचेगा और उसके बाद उस पर रिकवरी का एक्शन करेगा। और जब वो क्या करता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज एक्सेप्टेड बाय द परचेजर, तो उसे कितने परसेंट जमा कराना पड़ेगा? 25%। नॉर्मली इसके लिए एक दिन का समय मिलता है, अगले दिन। ठीक है, इन केस इन्वॉल्व प्रॉपर्टी परचेजर हैज टू डिपॉजिट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू क्लियर इनकंबरेंस, द ऑथराइज ऑफिसर देन हैज टू पे द रिमूव द इनकंबरेंस आफ्टर गिविंग द, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिया 10 लाख का लोन है, प्रॉपर्टी बेची 16 लाख की, तो पहले वो कितना देगा, 10 लाख, और बैंक क्या करेगा उस पर इनकंबरेंस को क्या कर देगा, रिमूव, क्लियर कर देगा। ठीक है, और 6 लाख किसको मिलेंगे, बारोवर जिसने पहले लोन लिया था हमसे। ठीक है, ऑथराइज ऑफिसर ऑथराइज टू इश्यू सेल सर्टिफिकेट देगा कि भैया ये हमने इसको बेच दिया। सच सर्टिफिकेट कन्वेंस ऑफ इनवेल प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर स्टैंपिंग एज द केस में भी रिकॉर्ड मीन्स, तो उसमें वही बात है कि जब उसको सेल कर रहे हैं तो सेल करने में आपको पता है क्या देना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी, तो बिल्कुल वैसे ही दी जाएगी जैसे कि नॉर्मल सेल में हम लोग देते हैं। और इसको कन्वेंस बोलते हैं, जो ये लिखी जाती है ना डीड, इसको कन्वेंस बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है दो कौन लोग हैं, डीएम और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये दो लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई हैं तो उनकी आप क्या ले सकते हो, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अथॉरिटी को कि हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमें हेल्प चाहिए। ठीक है, और जब रिक्वेस्ट दी जाती है, सेल टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी एसेट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू देयर टू एंड फॉरवर्ड सच एसेट टू द सिक्योर, मतलब कब्जा कौन ले रहा है, डीएम ले रहा है, और उसके बाद उस कब्जे के बाद क्या कर रहा हो, उसको बैंक को देता है कि लो पकड़ो। ठीक है, और डीएम ऑर्डर करता है सिक्योर्ड पोजीशन के लिए विद इन 30 डे, ही इज अलाउड टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ अनदर 30 डे, बट ही विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजन फॉर द सेम। तो बेसिकली वो 30 दिन में कहता है कब्जा ले लो, डीएम ने ऑर्डर कर दिया और उसको 30 दिन तक और आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, सर डीएम कई जगह मतलब परमिशन देने से डिनाई कर सकता है, करते हैं बहुत जगह से, बताऊं क्यों करते हैं, अब सोचते हैं 4 लोग उस घर में रह रहे हैं तो उनको निकाल के कहां फेंकेंगे बाहर, तो उसमें फिर आपको परस्यू करना पड़ता है, बार बार डीएम को लिखना पड़ता है, कई बार डीएम सोचते हैं मेरे 6 महीने और है यहाँ पे, क्योंकि डीएम का ट्रांसफर तो रातों रात हो जाता है, तो कई डीएम इस एक्शन से बचते हैं और कई डीएम जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन काम कर देते हैं। ठीक है सर, खाली फ्लैट में भी जरूरत रहता है क्या डीएम का? खाली प्लॉट में जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि वहां किसी से किसी को हटाना था फ्लैट में। हाँ जी, नहीं डीएम की परमिशन तो ले प्रैक्टिस में ली जाती है, या तो वो बहुत प्यार से अपने आप ही कह लगा लो ताला लगा लो, बट डीएम को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कि डीएम एक बार इन्वॉल्व हो गया ना तो वो कल को आपका ताला तोड़ के नहीं घुस सकता उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि डीएम का मतलब पुलिस वगैरह सब होते हैं, तो बेहतर ये डीएम को एप्लीकेशन दे दो, और खाली फ्लैट होता है तो डीएम देर नहीं करता, कर रहता जल्दी, अगर उसको उसमें कोई रह नहीं रहा है ना तो डीएम मान जाता, कर देता जल्दी। ठीक है,
जी सर। चलो फॉर कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और द डीएम मे टेक कॉज टू टेक सच स्टेप यूज कॉज टू यूज टू सच फोर्स मे बी ओपिनियन मतलब जरूरत हो तो पुलिस वाले भी बुलाता है। ठीक है हाँ ये जो पावर है उसको आर गिवेन टू द जुडिशियल अथॉरिटी हु विल टेक पोजिशन एंड हैंड ओवर इट टू द सिक्योरिटी। तो उस समय कौन सी अथॉरिटी है इसको जुडिशियल अथॉरिटी सर कल मॉर्निंग में क्लास है हाँ मॉर्निंग में क्लास है जीआईबी की सर ये यही चलेगा ना। अच्छा मतलब ऐसा है ना देखो एक तरीका तो यह है कि मैं 15 मिनट में सरफेस ही पढ़ा दूं उसमें से दो क्वेश्चन आ जाए ठीक है ना आए तो कोई बात नहीं। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग कंटिन्यूस एक एक लाइन पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं दिमाग में ले जा रहे हैं लोग क्वेरी कर रहे हैं लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो भले एग्जाम में ना है लेकिन हमारी वर्किंग में बहुत काम है। वर्किंग में बहुत काम का है ये सरफेस ही ना सर। सर एक रिक्वेस्ट था हाँ ये चैप्टर इसमें काफी है ठीक है 69 चैप्टर है यूनिट है और आप पढ़ा भी रहे हैं ठीक है अभी और आपका पुराना वीडियो भी पहले से तो इसमें है ही ऐप में तो हम ये कहना चाह रहे हैं आप थोड़ा सिर्फ मार्क करा दीजिए ना कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये सब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन गिर सकता है। मान लीजिए 30 चैप्टर भी आप बता दें तो अपन उसको देख सकते हैं ना सर क्लास तो कट में चले गई है। मॉड्यूल ये हमने शुरू में पूरा कराया था मॉड्यूल बी कुछ कॉमन टॉपिक वाला है कॉमन का मतलब उसमें से कुछ यूनिट्स हमने कहाँ कवर कर लिए हैं पीपीबी में सी और डी कंप्लीट हम एग्जाम से पहले आपको कराएंगे कंप्लीट लाइन टू लाइन। क्यों जो डी वाला यूनिट है ना डी वाले यूनिट में कई सारी यूनिट दो दो पेज की है बस और सीक्वेंशियल है जैसे सरफेसी के जो यूनिट है वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस चल रही है ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो यूनिट्स हैं वो भी क्या चलेंगी सीक्वेंस टू सीक्वेंस मतलब बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारा पिछला जितने भी बार हमने क्लास ली है ये सी और डी हमेशा हमने एग्जाम के 1 वीक में कराया है पूरा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान कहां पे लगा दो सी और डी में। क्यों बी वाला कुछ कॉमन पीपीबी में आपने पढ़ा है थोड़ी सी जनरल बैंकिंग से रिलेटेड भी है और ये जो सी और डी वाला है इसमें से आपको आराम से 50+ क्वेश्चन मिल जाते हैं ठीक है। और सीक्वेंशियल टॉपिक है मतलब लिंक है आपस में टॉपिक। तो हमारी स्ट्रेटेजी तो यह है कि हम एग्जाम तक आपको सी और डी भी पूरा करा देंगे। अभी हम कौन सी यूनिट पे हैं जरा देखिए 23 हाँ इन्फोर्समेंट अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ जी सर लास्ट टाइम जीआईबी में ए 75 से डीआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एलआरएबी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका रीजन भी है आप ये देखिए ना सामने देखिए सी जो बी मॉड्यूल है बी मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है आपका 19 नंबर ठीक है। अब 49 यूनिट आपकी कौन से मॉड्यूल में सी और डी में। तो सी में अगर हम बात करें तो सी में हमारे जो मॉड्यूल्स हैं यूनिट हैं वो कितनी है 40 जिसमें से अभी आप देखोगे कि कौन सा मैंने कराया देखो इधर देखिए जरा आपको मालूम है ये करा दिया है मैंने ये वाला बोलो जी सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने करा दिया है। हाँ ये जो यहाँ ऊपर वाला पूरा चल रहा है यहां तक ये
ये चल रहा हमारा डीआरटी प्लस सरफेस ही चल रहा है, ठीक है। इस तरह हमारा मॉड्यूल सी है, वेडनेसडे तक शायद ये सी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमको बचते हैं मॉड्यूल डी। 41 से शुरू है और कहाँ पे खत्म है, 69 पे, जिसमें से आपका यहां तक 49 तक जो है, कहां तक 49 तक कौन सी यूनिट में कवर होता है हमारा, एक तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पूरा लाइन टू लाइन चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनर, ठीक है, और ये भी पार्टनर, मतलब पूरी पार्टनरशिप का है। और उसके बाद क्या है, कंपनी का है, यहां से कंपनी का शुरू 56 है, कहां तक है कंपनी का देखने रहा, तक। फिर आपका बीच में थोड़ा सा आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं, मॉर्गेज और बाकी छोटे मोटे एक्ट है। और ये जो एक्ट हैं बहुत सारे, दो दो तीन तीन पेजों के एक्ट हैं, तो हम लोग करते हैं, हम करते आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको बैठे रहना है, सुनते रहना है, सोना नहीं है बस। और एलआरईबी में एक अच्छी बात यह है, अगर आपने इन पॉइंटों को याद रखा तो आपके एग्जाम तक ये मेमोराइज रहते हैं, 5-4 दिन तक, अगर ध्यान से देगा, ठीक है। चलो अब देखो, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर, कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, अगर आपने कंपनी का मैनेजमेंट टेक ओवर करना है तो कैसे करेंगे, तो आप पब्लिश ए नोटिस न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज इन सर्कुलेशन, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप वो करेंगे। और कहाँ नोटिस जाएगा, वेयर इन द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द बोरोवर सिचुएटेड, मीन्स जब आपने कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो जहां वो कंपनी का हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस, वहां आप आसपास न्यूज देनी है आपने, तो किस में देंगे, न्यूज़पेपर में। और फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, इफ द बोरोवर इज ए कंपनी टू बी द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी, यानी आप कौन बन गए हैं उसमें, अब उस कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से आ गए। और इन अदर केस आप किस हैसियत से जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, खास कर से कौन सी कंपनी के लिए, पार्टनरशिप, क्योंकि ये बात तो उसने किसके लिए बोल दी है, कंपनी के लिए, ठीक है। अब जब आप पब्लिकेशन करेंगे नोटिस का, द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी इन केस ऑफ द बोरोवर कंपनी, पर्सन होल्डिंग द ऑफिस सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ बिजनेस बोरोवर इमीडिएटली बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड, मतलब जो ओल्ड वाला डायरेक्टर था क्या हो गया, वो रिटायर, हाँ मतलब वैकेट हो गया, उस समय पावर में नहीं है, ठीक है। और पावर में कौन हो जाएंगे आप, एज एन इफेक्ट ऑफ द एनी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोरोवर एंड डायरेक्टर और मैनेजर देयरफॉर शैल बी डीम्ड टू बी टर्मिनेटेड, मतलब पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, खत्म ऑन पब्लिकेशन। और ये सब कब होगा, जब आप पब्लिकेशन करेंगे तभी तो पता लगेगा दुनिया को, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ अबाउट सेड नोटिस देन आफ्टर द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर एज स्टेटेड अबव, ऑल द प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द बोरोवर डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ द डायरेक्टर, सो वन, जो नया वाला अपॉइंट किया है ना, सारी पावर उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। ऑल द डायरेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर आर एम्पावर्ड टू टेक सच स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी टू टेक इनटू देयर कस्टडी और अंडर देयर कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो सब कुछ किस में आ जाएगा, नए वाले में, ठीक है। देयर आफ्टर डायरेक्टर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर आर अलोन एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल, और जो नए वाले होंगे वो सारी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।
विच इज कंपनी डिफाइन अ कंपनी एक्ट टेक इन ओवर सिक्योरिटी then not spend anything contained in company act or the memorandum of article association shall apply. क्या क्या होगा देखो, shareholders of the company can lawfully appoint any person to the director of a company. No resolution passed by the shareholder of company shall be given effect unless the provider secure it. मतलब नया कोई भी काम करेंगे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, बैंक से. No proceeding winding up. आप उस कंपनी को बंद नहीं कर सकते, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बैंक से. वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बोरोवर हैज बीन टेकन ओवर द सिक्योर्ड क्रेडिटर रिलेशन डेब्ट इन फुल सिक्योर्ड मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर टीम. वो पूरा जो काम करेगा, जब पूरा कर्जा अदा हो जाएगा तो वापस सारी पावर किसके पास चली जाएगी, पुराने वाले मैनेजमेंट के पास. Secured creditor holding order of attachment shall have priority over all subsequent security of interest. ठीक है, means सबसे पहले अपना पैसा वसूलेगा वो. ठीक है, हाँ. अगर मान लिया नए वाले डायरेक्टर से क्या हो जाए कंपनी को, भाई मान लिया मैं जो है कंपनी को कब्जा के और कंपनी चलाता हूं, पता लगा मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और क्या हुआ, लॉस हो गया, तो कोई डायरेक्टर की जिम्मेदारी नए वाले की नहीं होगी. ठीक है, दिस प्रोविजन हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द एनी अदर लॉ फंड. हाउएवर इफ एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन कंट्रोलिंग द मैनेजर हैज टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम बोरोवर, इट कैन बी, मतलब लाइबिलिटी तो नहीं होगी बट अगर उसे बोरोवर से कुछ पैसा लेना है तो रिकवर कर लेगा. ठीक है, अब बात आती है कि आप डीआरटी की एप्लीकेशन. हेलो, हाँ अरे सर, ये क्या बताया आपने कि हाउ इफ एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन कंट्रोल द मैनेजमेंट, मतलब अगर उससे नुकसान हो गया नए डायरेक्टर से तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है. नहीं, उसकी तो नहीं है, बट अगर मुझे डायरेक्टर रहते हुए बोरोवर से कुछ और पैसा लेना है तो मैं लूंगा. मतलब जैसे मान लिया हो गया, वो नुकसान तो हो गया, उससे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोरोवर से कुछ रिकवर करना है तो उसे लिया जा सकता है बोरोवर से. हाँ ठीक है, और यहाँ पे उसने बोल दिया कि नो मैनेजर डायरेक्टर, उसके लिए कोई भी वो एंटाइटल नहीं होगा. ठीक है सर, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो नए जो बैंक के अपॉइंट होंगे वो? नहीं देखो, नो मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर और एनी पर्सन इन चार्ज मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर शैल बी एंटाइटल टू एनी कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस. यानी न्यू वाले हैं ये, न्यू वाले. ठीक है, नहीं एक मिनट रुको, लॉस ऑफ ऑफिस और फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजर बाय द बोरोवर. नो मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट of the business of the borrower shall be entitled to any compensation for the loss of office. ये पुराने वाले हैं, पुराने वाले किसी भी डायरेक्टर को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर ऑफिस को नए वालों से क्या हो जाता है, लॉस. और फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मीन्स मैनेजमेंट के साथ जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट थे अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं किस कारण से, सरफेसी के एक्ट में वो मैनेजमेंट को टेक ओवर करने के बाद. ठीक है, तो उसको भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, दिस प्रोविजन हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एनी, यानी पुराने लॉ में अगर कहीं कहा गया है कंपनसेशन मिलेगा तो भी वो नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि नए एक्ट में उसने बोल दिया भैया खर्चा लॉस
बोरोवर का और रिकवरी बैंक की, ठीक है। राइट टू प्रिफर एप्लीकेशन टू डीआरटी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि डीआरटी में जाने के लिए क्या करना है आपने। तो इसने बोला हुआ मे मेक एन एप्लीकेशन, कौन? बोरोवर, अलोंग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस टू द डीआरटी विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच मेजर्स आर टेकन। जब आपने एक्शन लिया है उस एक्शन के 45 डेज के अंदर आप डीआरटी जाएंगे। देयर कैन बी डिफरेंट प्रेस्क्राइब्ड फीस फॉर द बोरोवर एप्लीकेशन एंड अदर बोरोवर। द राइट टू फाइल एप्लीकेशन प्रोवाइडेड नॉट ओनली द बोरोवर बट ऑल्सो द एनी पर्सन, बोरोवर भी और एनी पर्सन एग्री। मतलब कभी बार क्या होता है कि जैसे किसी ने गारंटी दी है वो गारंटर भी जा सकता है डीआरटी कि भाई इस काम को क्या कर दो, रोक दो। बोरोवर को तो राइट है लेकिन बोरोवर के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उस एक्शन पे क्या है ऑब्जेक्शन है तो क्या कर सकता है, वो जा सकता है, ठीक। द डीआरटी हैज टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर जो डीआरटी एक्ट के तहत वो कर सकता है। और अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डीआरटी को ये काम कितने दिनों के अंदर करना होता है। क्या काम करना डीआरटी बताओ, रिकवरी करानी है कितने दिनों के अंदर? जो भी एप्लीकेशन उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। इफ फॉर एनी रीजन नॉट पॉसिबल तो क्या करेगी, उसका कारण लिखेगी। बट कभी भी ये कितने मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ एनी सच एप्लीकेशन नॉट डिस्पोज 4 मंथ एग्री पार्टी कैन प्रिफर एन एप्लीकेशन टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो वो डीआरटी से हट करके कहां चली जाएगी कि ये 4 महीने से हमारा डिसीजन नहीं दे रहे, ठीक है। अब डीआरटी में जाना है ड्रेट में तो यहां पर क्या देना पड़ेगा आपको, प्रेस्क्राइब्ड फीस और कितने दिन के अंदर। जब आपको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिल जाए तो आप 30 दिन के अंदर जा सकते हैं, चाहे बोरोवर हो चाहे बैंक हो, ठीक है। और इसमें क्या है, नो अपील कैन लाई अनलेस द बोरोवर डिपॉजिट 50%। अब देखो कल हम एक डाउट में थे ना, यहां पे आ गया है कि डीआरएटी में जाने पर आपको क्या जमा करना पड़ेगा, 50%, और दैट कैन बी रिड्यूस टू 25% टू रिड्यूस द परसेंट 25%, ठीक है। राइट ऑफ बोरोवर फॉर कंपनसेशन कॉस्ट। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही बोरोवर गलत हो, कभी कभी कौन गलत हो सकता है, बैंक भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला हुआ है, नो पिक्यूनरी लिमिट इज फिक्स बाय द एक्ट फॉर द एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। द ज्यूरिस्डिक्शन डीआरटी 20 लाख एंड अबव द रिकवरी डेट ड्यू टू द फाइनेंशियल एसेट। हाउएवर सर्फेसिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी पिक्यूनरी लिमिट, देयरफॉर अपील बिफोर डीआरटी अगेंस्ट द एक्शन इनिशिएटेड द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज केस गिवन बिलो वुड लाई। मैं क्यों रुक गया, टीम में अप्लाई करने के लिए सरफेसी के अंदर जो ये जो पॉइंट है ना याला, ये कहता है इन द केसेस इवन बिलो कितना, 20 लाख
द सरफेस एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी पिक्यूनियल लिमिट, देयरफॉर अपील बिफोर डीआरटी अगेंस्ट द एक्शन इनिशिएटेड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि बैंक इन केसेस इवन बिलो. हाँ अब हुआ क्लियर. क्या क्लियर हुआ? बैंक और बोरोवर दोनों के लिए डीआरटी खुला है. खुला है नहीं खुला है? बोलो. खुला है सर. खुला है. अगर बैंक डीआरटी जाएगा तो उसकी कंडीशन क्या है? अनसेटल्ड अमाउंट. ठीक है. लेकिन बोरोवर अगर जाता है तो बोरोवर वो एनी अमाउंट के लिए जा सकता है. क्यों बताते हैं आपको. सरफेसी लगा और सरफेसी लगा केवल कितने लाख के अकाउंट में? 5 लाख. तो अपील करने के लिए ये सरफेसी के एक्शन की अपील करने के लिए बोरोवर वो किसी भी अमाउंट के लिए जा सकता है. अभी क्लियर हुआ आपको? क्लियर है सर. बैंक अगर डीआरटी जाएगा तो 20 लाख और उससे ऊपर पे जाएगा. बोरोवर अगर अपील करने जाएगा सरफेसी एक्शन की तो कितने अमाउंट पे चले जाएगा वो? एनी अमाउंट पे. ठीक है बोलिए. और सर 1 लाख से ऊपर ही जाएगा ना सर सरफेसी में? 1 लाख. हाँ वो तो बेसिक क्राइटेरिया वही है. सरफेसी लगेगा ही वहां पे और सरफेसी जब वहीं लगेगा तो उसी के ऊपर जाएगा. इसको आप ऐसे यहाँ पे मोर देन 1 लाख लिख लीजिए. ठीक है. और दूसरी और चीज़ जो हाँ जो पैसा मतलब सेल होने के बाद भी जो ड्यू रह जाएगा उसके लिए भी तो बैंक जा सकते हैं. हाँ उसके लिए बैंक जाएगा लेकिन वो भी अगेन कितना है? एनी अमाउंट. हाँ नहीं नहीं ग्रेटर देन 20 वो 20 है. और नहीं तो कहाँ जाएगा वो? सिविल कोर्ट जाएगा. क्लियर हो गए सारे पॉइंट? मतलब 20 लाख से कम में सिविल कोर्ट सर. हाँ ठीक हो गया ना सर. फेसी अगर हम लगाएंगे और 20 लाख से कम है तो सिविल कोर्ट में जाएगा. हाँ बिल्कुल. लेकिन बोरोवर किसी भी अमाउंट के लिए जा सकता है डीआरटी में. ठीक है. क्योंकि ये देखो इस लाइन में मेरे को यहां से पकड़ में आया देयरफॉर अपील बिफोर द डीआरटी अगेंस्ट द बैंक. सरफेसी एक्शन अगेंस्ट द बैंक का मतलब कौन जाएगा? बोरोवर. ठीक है. चलो ये टॉपिक भी हुआ. देखो सर डीआरटी में जाने के लिए कोई फीस तो नहीं पेबल होता है? कुछ फीस है डीआरटी में जाने में उनकी कुछ जैसे कोर्ट में फीस लगती है ना एक उसी तरह की फीस है. ठीक है. चलिए अब इससे आगे वाला टॉपिक हम लोग कल मॉर्निंग में करेंगे और कल इवनिंग और कल नाइट तक हम लोग सरफेसी डीआरटी का काफी सारा पोर्शन कवर कर देंगे. ठीक है. ठीक सर. मॉर्निंग में कितने बजे क्लास है? 7 o'clock पे. हाँ यही चल रहा है अभी. यही चलेगा. दोनों लोगों के लिए कॉमन है टॉपिक ये. ठीक है. एनपीए की तीन ही क्लास हुई है ना सर? क्या चीज? एनपीए के दो ही तीन क्लास हुई है ना सर? एक आज और दो कल. एनपीए की या सरफेसी की? एनपीए की सर. नहीं ये तो सरफेसी चल रही है. तो नहीं नहीं वैसे अभी तीन क्लास टोटल हो गई है ना कल से अभी तक. हाँ सरफेसी की सर. ये एबीएम और बीएफएम की वैसे नहीं है ना मतलब टॉपिक्स कवर हो रहे हैं? रिटेल में तो ज्यादा है लेकिन अब एक दो क्वेश्चन रिकवरी. कई बार क्या होता है ना हम सरफेस ही पढ़ा रहे हैं लेकिन हम कुछ और भी बताने लग जाते हैं बीच बीच में. ऐसा होता है वैसा होता तो वो काम आ जाए क्या पता. श्योर सर. सरफेस ही क्या आरआरबी में नहीं लगता है? नहीं लगता है सब में लगता है. कोऑपरेटिव बैंक में भी लगता है.
शुरू में नहीं लगता, किसी पुरानी बुक में देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ नहीं लगता है। सर वो एक बार ग्राफ दिखाई जो बनाए थे सर, मेरा मोबाइल बंद हो गया था। अच्छा वो बैंक और बोरोवर दिया वाला। बैंक अगर डीआरटी जाएगा तो वो मोर देन 20 वाले पर ही जाएगा, बोरोवर अगर डीआरटी जाएगा तो वो किसी भी अमाउंट के लिए जा सकता है, और बोरोवर जब भी जाएगा तो बैंक के कौन से एक्शन के अगेंस्ट जाएगा? क्लियर हुई बात सर? इसका पीडीएफ सारा ग्रुप में ही डालना सर। हाँ मैं डाल दूंगा सर। एक वो मार्केटिंग डिसिप्लिन का भी डालना था आपने ना, वो नहीं आया था सर? मुझे नहीं मिला, आई एम सॉरी। अगर आपने भेजा तो एक बार सर्च कर लेते। नहीं मैं अभी डाल देता हूं मार्केट। हां हेलो सर, सर इसका YouTube का लिंक दे दीजिए ना प्लीज, इस क्लास का। किसी वाले मैं इस क्लास का अभी करता हूं। नहीं इस क्लास का वो तो उसमें आपके इसमें नहीं है, मैसेज में WhatsApp में ग्रुप में आता है। नहीं 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 है वो है, दिख नहीं रहा है मेरे सर। वो सुबह मॉर्निंग में दिन में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो सर, हो जाएगा, मिल जाएगा वैसे। नहीं नहीं वो उसके चैनल में तो ढूंढना पड़ता है, यहाँ तो हम बिल्कुल ब्रीफ करके लिख के देते हैं ना आपको कि ये टॉपिक है, इतने बजे होगा। ठीक सर, कल उसके साथ रहता ना YouTube का लिंक, तो जो इनविटेशन आप देते हैं शेड्यूल में। हाँ शेड्यूल में जो होता है। जी जी सर, कल मॉर्गेज का थोड़ा क्लासिफिकेशन बता देंगे। वो है हमारे एजेंडा में। आप CIB के हैं JIB के हैं? CIB के सर। CIB के चल देगा। हाँ सर मॉर्गेज थोड़ा बहुत पता है, इक्विटेबल है, इंग्लिश मॉर्गेज है, लेकिन उसे भूल गए। रिटेल में भी आता है ना? हाँ रिटेल में आता है। ये जो मैंने अभी टॉपिक दिखाए थे उसमें एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का टॉपिक है, उसको मैं जब कराऊंगा तब मैं ये मॉर्गेज को कराऊंगा। ठीक है तो क्लियर हो जाएगा कौन से मॉर्गेज में क्या होता है। हाँ बिल्कुल है, कराएंगे हम उसको। ठीक है बाकी मॉर्निंग में मिलते हैं। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट। YouTube में पूछ रहे हैं सरफेसी एक्ट कितने वीडियो में कंप्लीट होगा, 6 या 7 में? पार्ट 2 का वीडियो नहीं मिल रहा है सरफेसी एक्ट का, प्लीज उसका लिंक शेयर करें। ये जो पार्ट 2 का अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, आप YouTube पे देख लीजिए, वहां मिल जाएगा। ठीक है चलिए ओके।